गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी देखो तो अभी तो मार्केट ओपन नहीं हुआ, 9:05 ही हो रहे हैं, लेकिन हमारे सारे लेवल्स जो है वो रेडी हो चुके रोज की तरह। रेड लाइंस पर मेरा व्यू डाउन करेगा, मैं कॉल बेच सकता हूँ। ग्रीन लाइंस पर मेरा व्यू अप करेगा, मैं पुट बेच सकता हूँ। ब्लू लाइंस पर अप एंड डाउन दोनों का हो सकता है, वो मार्केट कंडीशन के ऊपर है। वैसे ही सेम फिन निफ्टी का भी है, ठीक है, वैसे ही सेम बैंक निफ्टी का भी। सारे के सारे लेवल्स निकल चुके हैं और मेरा व्यू भी फिक्स हो गया। अब मार्केट जहाँ पर भी ओपन होगा, अगर रेड लाइंस पर आएगा तो कॉल बेचूंगा, ग्रीन लाइंस पर आएगा तो पुट बेचूंगा, ठीक है। तो वो सब वेट करने का बारी है, वेट करते देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली अभी जस्ट हमने ट्रेड ले रखा है, इसमें आप देख सकते हो मेरे को भी नुकसान दिखा रहा है 400-500 रुपये का, बट उससे कोई मेजर फर्क नहीं है। एंट्री टाइम ने 9:43 फिलहाल तो 300-400 का नुकसान ही दिखा रहा है मेरे को, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, अगर मार्केट समझो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर तरफ जाएगा ना तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। यहाँ से अगर ऊपर तरफ बढ़ता है मार्केट तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज अगर यहाँ से नीचे तरफ जाएगा तो मेरे को नुकसान होगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट हाई चांसेस है कि मार्केट इधर के आसपास या फिर इधर के आसपास का टारगेट दे सकता है। कल इसकी एक्सपायरी है तो इसमें डीके वगैरह भी होने की संभावना बनी रहेगी, तो देखो अभी क्या होता है। नहीं देख सकते हो मेरे को लॉस हो चुका है, ठीक है। लॉस होने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे को नुकसान हो गया, मैंने ट्रेड लिया था बॉटम में बट नुकसान हो गया। ऐसा क्यों हुआ मैं यहाँ पर समझो, देखो चीज़ों को समझो पहले। तो अगर आप बात करोगे मार्केट की तो देखो मार्केट में हमने कहीं ना कहीं इधर के आसपास एंट्री करी हुई थी, मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। ऑलमोस्ट जगह से करी हुई थी, मार्केट नीचे गया, ठीक है। जब नीचे जाने लगा तो मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर रखा, इससे मेरे को नुकसान हो गया। तो फिर दोबारा से मेरे को देखा अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें बहुत ही बढ़िया जैकपॉट ट्रेड देखने को मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने काम नहीं किया हुआ है तो अब मैं ट्रेड भी नहीं करूँगा, ठीक है। अब आज के लिए केवल इतना ही, अब मेरे को लॉस हो प्रॉफिट हो, अब कहाँ से लॉस तो हो ही गया, प्रॉफिट होने वाला है नहीं, क्योंकि अब आज के लिए इतना बहुत है। अब देखते हैं कल क्या होगा। देखो मार्केट आज का बहुत ज़्यादा टफ था, पहले चीज़ों को समझो। मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर देखो आज की कितना ज़्यादा ट्रैपिंग हुआ समझो। थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, देखो पहले करने को लो ब्रेक किया, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप, फिर उसने एक बहुत ही वॉल्यूम के साथ हाई ब्रेक किया, यहाँ पर बायस को ट्रैप, बाई करेंगे मार्केट फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर मैंने बाई किया, यहाँ पर भी मार्केट अगेंस्ट गया, फिर यहाँ पर एसएल गया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ अभी मार्केट वहीं पर चल रहा है, तो मतलब मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया, जहाँ पर था वहीं पर आ गया फिर से। तो इस तरह की ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है मार्केट में गाइस। अभी से समझो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है ना, मार्केट बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा टफ हो चुका है। इंडियन मार्केट खास तौर पर इतना ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा है आज अभी के वर्तमान समय में। अपने मुझे 300-400 लगातार ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह के मार्केट नहीं देखता हूँ। देखो एस एल सब पे जाते हैं, एस एल जाएँ लेकिन कम से कम अगेंस्ट तो मार्केट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मार्केट में मार्केट साइडवेज करके ना लोगों की जान ले रहा है, ऊपर भी नहीं जीने दे रहा, नीचे भी नहीं दे रहा है। ये तो टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के नतीजे हैं कि मैं बच जा रहा हूँ या फिर बहुत छोटे लॉस लेकर के निकल रहा हूँ, या फिर ये भी है। देखो हालांकि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, हमारे हमारे ट्रेडिंग के स्टाइल के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से बॉटम से अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, बट यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं किया है। उसका एक रीज़न है, उसका एक लॉजिक है, वो मैं बताऊंगा लाइव क्लास में। बाकी का आप कोई काम आज के दिन पर नहीं करना है, आप देखते हैं कल क्या होता है। पहले मार्केट भी बंद हो गया, तो आइए आज मैं आपको मार्केट का एकदम कहानी दिखाता हूँ कि मार्केट किस हिसाब से काम किया हुआ है। तो पहले चीज़ों को समझने का एकदम ट्राई करना। देखो मार्केट में आज किस तरह से ट्रैपिंग हुई है ना, वो आप समझो। देखो मार्केट में जितने जितने ये बड़े बड़े कैंडल, ये देख रहे हो ये बड़ा कैंडल, तो इस तरह की जो मूवमेंट है इसको आप क्या समझोगे। इस तरह के मूवमेंट में हालांकि बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, और जिसको भी नुकसान होता है ना वो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि देखो प्रॉफिट कंडीशन में क्या होगा, एक ही रेड कैंडल बन रहा है, जिसका प्रॉफिट है वो सबका सब खत्म हो जाएगा, लोगों की साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। अगर लॉस के कंडीशन में होगा तो वो उसको एग्जिट करते करते इतना बड़ा लॉस हो जाएगा ना कि उसकी कहानी खराब हो जाएगी। हालांकि देखो हमने तो बॉटम में ढक आसपास एंट्री करके रखा हुआ था, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर लॉसेस हुए। आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट गया हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने फिर हमारे फेवर में ही गया हुआ, क्योंकि टॉप बॉटम स्ट्रेटजी है ही ऐसा, मैं बार बार बोलता हूँ कि उससे मार्केट का सबसे बड़ा मूवमेंट मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पर एंट्री नहीं किया हुआ। इसका भी एक लॉजिक है, वो क्या लॉजिक है वो मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, ठीक है। व्यू क्या था, व्यू हमारा हमेशा की तरफ फिक्स होता है, रेड लाइन से डाउन का, ग्रीन लाइन से ऊपर का। रेड लाइन से मार्केट गिरा, हालांकि आप लोग जानते हो कि अगर मेरे एक ट्रेड में एसएल जाते हैं दिन मेरा प्लान भी एक्टिवेट होता है। प्लान बी के मुताबिक अगर आप बात करोगे, अगर मैं काम करता, हालांकि मैंने काम नहीं किया, मैंने क्यों काम नहीं किया वो भी मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा आज के दिन पर। अगर प्लान बी की बात करोगे तो प्लान बी के मुताबिक यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मौका मिलता, और यहाँ पर लगभग लगभग 1:3 के आसपास का मार्केट में एक मेरे को ट्रेड दिया हुआ था, ठीक है, प्लान बी के मुताबिक निफ्टी में एक एसएल जाने के बाद। हालांकि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट था, ठीक है, इसके वजह से मैंने इसको कैच नहीं कर पाया, और मैं उस समय मार्केट में था भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि आज मैं दोबारा कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अदरवाइज प्लान बी के मुताबिक जो छोटा सा लॉस था वो भी रिकवर हो जाता, और मार्केट में यहाँ पर मेरे को लगभग लगभग 4,000 के आसपास का प्रॉफिट हो ही जाना था, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने समय दिया था मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करने का। लेकिन उनका क्या गाइस, जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, उनका क्या जो नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, देखो उनकी सब तरफ से बैंड बजा रहा है मार्केट। मार्केट एक्सट्रीम लेवल का जो टफनेस है ना उसको आप साफ साफ देख सकते हो, ये क्या है।
ये क्या है भाई, नीचे मार्केट जा रहा है, एक एक कैंडल बड़ा, ये सब क्या है, इतनी बड़ी रेड कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, तो ये सब क्या है? ये सब का सब मार्केट में एक तरह से समझ जाओ कि ना प्रॉफिट लेने में आप लोग समय सहज हो पाओगे, ना लॉस लेने में। लॉस लोगे तो बड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट लोगे तो बड़ा हो कम हो जाएगा। जब तक आपको ना सही जगह पर एंट्री करना नहीं आएगा, तब तक आप फंस जाओगे एकदम, मैं बता रहा हूँ। हालांकि टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के मुताबिक तो आप जानते हो कि टॉप पर ही सेल होता है, तो मार्केट कितना भी ऊपर जाए उससे कोई फर्क नहीं है, मार्केट कितना भी नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि खुद लॉस ले लिया है लेकिन ज्ञान बांट रहा है। देखो लॉस मैंने लिया लेकिन प्लान भी हमेशा मेरा रेडी होता है, ठीक है, कि प्लान बी ऐसे अगर चला जाए तो क्या करना है। अगर मैं प्लान बी के अकॉर्डिंग आज जाता तो मार्केट मेरे को आज मेरा लॉस भी रिकवर हो जाता और मैं प्रॉफिट में ही निकलता। लेकिन अब मैंने प्लान भी माना ही नहीं, मैंने अपने रूल्स को माना नहीं, डिसिप्लिन को नहीं माना, मैंने सेकंड एंट्री नहीं किया कुल मिलाकर के। क्यों नहीं किया वो मैं लाइव क्लास में बता दूंगा। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो आज भी टॉप बॉटम स्टडी से बहुत अच्छा काम किया हुआ मार्केट ने, लेकिन हाँ मार्केट एक से समझ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, मार्केट के जो कंडीशन अभी आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा टफ और वोलेटाइल कंडीशन में होता हुआ जा रहा है। तो आज ही बेटर है कि अभी से ही आप सही तरीके से काम करना शुरू कर दो, उसी में भला ही, अदरवाइज आप एकदम कम से कम क्वांटिटी में काम करो, ठीक है। अगर आपको मार्केट में अगर आपका 2-3 महीने का पेना ग्रीन नहीं है तो आप कम क्वांटिटी में काम करोगे तो बेटर होगा, अदरवाइज एक ही दिन ऐसा आएगा, एक ही कैंडल में आपके 1 महीने का प्रॉफिट चला जाएगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।